एक्सरसाइज फोर क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा। तो एक तो तरीका यह है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको अरेंज कर लेते हैं और वहां से इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा बाद में, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करते हैं और उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये रहा प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए दिया है वो सारे न्यूमरल्स को इसमें अरेंज कर लेते हैं। अब इनको लिखना शुरू करना है। जो राइट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट यहां आएगी और इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो 017 017 568 568 41 41 यहां 601 601 705 02 ऐसे ही इनको भी अरेंज कर लेंगे। तो यहां पर जो नंबर दिए अरेंज करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि तीन जो न्यूमरल हैं उनकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो करोड़ तक जा रही है और जो बाकी जो दो बचे न्यूमरल हैं वो केवल 10 लाख तक ही पहुंच रहे हैं, जो डिजिट की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू लाख है। तो ये तीनों इन दोनों से तो ग्रेटर है। तो असेंडिंग में सबसे पहले छोटा आता, तो अब देखते हैं इन दोनों में छोटा कौन सा होगा। तो 10 लाख प्लेस पे यहां पे 2 है, यहां पर 2 है, यहां पे 7 है, यहां पर 8 है। तो इन दोनों न्यूमरल की बात करें तो 10 लाख प्लेस पे सेम वैल्यू है 2 और 2, लेकिन लाख प्लेस पे यहां 7 है और यहां पर 8 है, तो 7 वाला स्मॉलर होगा इससे। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे तो पहले नंबर पे ये आएगा और नंबर 2 पे ये आएगा, क्योंकि ये दोनों ही 10 लाख प्लेस वाले हैं, बाकी तो सब उससे ज्यादा ही हैं। तो सबसे छोटा इन दोनों में ये हुआ तो उसके बाद ये होगा। तो पहले नंबर ये आएगा, दूसरा ये आएगा। अब बचते हैं ये अदर थ्री नंबर्स। तो करोड़ प्लेस पे जा रहे हैं, ये 1 करोड़ वाला है, 2 करोड़ यहां पे प्लेस वैल्यू 2 करोड़ है, यहां पे डिजिट 3 है। तो इन तीनों को कंपेरिजन करें तो इन तीनों में सबसे छोटा ये होगा, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। फिर ये करोड़ प्लेस पे 2 डिजिट है और यहां पर 3, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो स्मॉलेस्ट ये हुआ और ग्रेटेस्ट ये हुआ। अब इसको ऐसे ही अरेंज कर देंगे तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो यहां पर हमने सबसे छोटा जो पहले नंबर पे है और सबसे बड़ा नंबर को इसको हमने फिफ्थ दिया हुआ है, तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 को अरेंज कर देंगे और ये नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए होता। आइए इसी तरह से बी देखते हैं। तो बी के लिए भी क्या करेंगे, जो ये न्यूमरल दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, इन्हें हम प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे और फिर अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर थ्री के बी में जो दिया है उन नंबर्स को हमने लिख लिया है, अब इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। तो 615 615 863 9, फिर 306 045 01 01 यहां पर 104 104 230 230 19 938 763 9 102 145 01 तो इस तरह से हमने जो नंबर दिए थे उनको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया। अब यहां पता करेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो देखिए कुछ नंबर करोड़ प्लेस तक जा रहे हैं, बाकी 10 लाख प्लेस तक हैं। तो ये तीन नंबर करोड़ प्लेस तक हैं, तो ये दो 10 लाख वालों को कंपेयर करेंगे। ये तीन नंबर जो करोड़ प्लेस तक वाले हैं वो 10 लाख वालों से बड़े हैं। अब 10 लाख वालों में सबसे छोटा कौन सा होगा,
तो 10 लेग पे इस पे 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 8, यहां पर 7। तो ये नंबर, इन दोनों की बात करें तो ये नंबर छोटा होगा तो ये पहले नंबर पे लिखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, इससे बड़ा नंबर ये है तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। अब बाकी जो तीन नंबर दिए हैं वो करोड़ प्लेस तक जा रहे हैं, तो करोड़ प्लेस में देखते हैं यहां पे कौन सी फेस वैल्यू 9 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो फेस वैल्यू 9 वाला बड़ा होगा, 1 और 1 इससे छोटे होंगे, तो इनका कंपेरिजन करते हैं, इन दोनों में छोटा कौन है, जो छोटा होगा स्मॉलर होगा वो पहले आएगा। 1100554401, तो 0 आ गया यहां पे, तो ये छोटा नंबर है। इन दोनों की बात करें 1 करोड़ और 1 करोड़ वाले में, तो 0 वाला नंबर छोटा है, ये थर्ड नंबर पे आएगा, और इससे बड़ा नंबर ये कहलाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, और जो आखिरी में बचा है 9 करोड़ वाला नंबर, ये ग्रेटेस्ट होगा और ये पांचवें नंबर पे आएगा। अब हम लिख देंगे नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा, तो स्मॉलेस्ट हमने पता कर ही लिया है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, हमने मार्क कर लिया है, पहले ये है उससे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर ये, और आखिरी में ये, तो इसी ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। तो 93,67,839 इससे ग्रेटर, तो ये सिंबल लगा है ग्रेटर का, इससे ग्रेटर कौन सा है, ये वाला 93,68,516। अब इन दोनों से ग्रेटर तीसरा नंबर कौन सा है, ये 1,05,40,603। चौथे नंबर पे 1,05,41,201, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो है आखिरी में आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो होगा 9,10,32,401। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड बी कर लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाकी क्वेश्चन भी आप लोग अपने से कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे ए बी सी डी चार ग्रुप दिए हैं, इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसको इन सर्कल करना है। तो हमने देखा सारे नंबर में देखा डिजिट्स कितनी है, तो ये सेकंड वाला और ये लास्ट वाला, ये 9 डिजिट के नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और बाकी सब नंबर 9 डिजिट से कम है, तो बाकी सब तो स्मॉलर है, तो इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। तो ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, ये 30 करोड़, ये 23 करोड़, तो बड़ा कौन सा होगा, 30 करोड़ वाला होगा, और इसको इनसर्कल कर लेना है इस तरह से। सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में भी ऐसे ही है, 1, 10, 100, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, तो सबसे बड़ा नंबर 10 करोड़ डिजिट का, मतलब 10 करोड़ वैल्यू वाला, 9 डिजिट का केवल एक नंबर दिया है और वो है ये, तो और एक नंबर ये दिया हुआ है, तो कंपेयर करते हैं, तो यहां 3 आता है और यहां 4 आता है, 1022, 1022, फिर यहां 3 आ जाता है, यहां 4, तो ये इससे बड़ा नंबर है, ये 40,000 है और ये 34,000 है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो इसको इनसर्कल कर लिया। ऐसे सी में सबकी डिजिट काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा किस में है, तो नंबर ऑफ डिजिट जो है सबसे ज्यादा इसमें है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 करोड़ दिया हुआ है, 10 करोड़ 10 लाख, और ये 10 करोड़ 7 लाख है, तो 10 करोड़ 10 लाख वाला नंबर ग्रेटर होगा, तो ये यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर है सारे नंबर्स में, तो इसको इनसर्कल कर लिया। ऐसे लास्ट वाले में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिजिट है, ये ज्यादा डिजिट का नंबर है, ये डिजिट का नंबर है 9 करोड़ 1, और कोई भी नंबर करोड़ पे नहीं आ रहा है जहां पे 9 हो, तो 9 करोड़ काउंट करने पे सबसे बड़ा नंबर यहां पर अवेलेबल है, इसलिए इसको इनसर्कल कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी करोड़ वाला नंबर था, बट
हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाली जो डिजिट है यहाँ पे 9 करोड़ वाला नंबर है, तो 9 करोड़ जो है ग्रेटेस्ट होगा, उसको इंसर्कल कर लिया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होती है, और इसके बाद की एक्सरसाइज 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।